चंपारण में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े कार्यकर्ताओं में एक कृष्णधन पासवान हमारे साथ हैं। नीतीश कुमार ने आज इनको मंत्री बनाया है, मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है चंपारण में कृष्णधन पासवान को मंत्री बनाना, क्या कहेंगे इस पर कृष्णधन जी? एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आपका कर रहा हूँ। देखिए, हम कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते एक कार्यकर्ता के पर विश्वास करके पार्टी ने हमको मंत्री पद दिया है। मेरा प्रथम लक्ष्य होगा 2024 को चुनाव जीतना और पुनः देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को देखना, स्थापित करना। आपको पता था कि आप मंत्री बन रहे हैं, कब पता चला आपको? नहीं, हमको पता नहीं था। हमको 12 बजे एक सूचना मिली है कि आप पटना में रहिए और कहीं जाइएगा नहीं, इस तरह की सूचना दी गई है। फिर हमको 2 बजे कहा गया है कि आप मंत्री पद के शपथ लेंगे। चंपारण के आप एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं, क्या कहेंगे चंपारण वासियों को? चंपारण वासियों को मैं हृदय से स्वागत, अभिनंदन, बधाई देता हूँ। चंपारण की जनता का आशीर्वाद और स्नेह का देन है कि आज मैं मंत्री के रूप में आज आपके समक्ष बयान दे रहा हूँ। तो कृष्णधन पासवान जी थे, आप सुन रहे थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी को बधाई दे दिया, चंपारण के लोगों के लिए भी बधाई दे दिया, हमारे सहयोगी सन्ने के साथ कौशलेंद्र पटना से।